हमारा धरती जहाँ छुपा है बहुत सारे रहस्य, इस रहस्य के बीच एक रहस्य तंत्र मंत्र यंत्र के बारे में भी है। मैं गौरव नाथ आज आप लोगों को तंत्र मंत्र के नगरी कहा जाने वाला मायंग के बीच छुपा हुआ एक त्यौहार को दिखाने की कोशिश करूँगा, जिसका नाम है गर्भांगा त्यौहार। माना जाता है कि ये गर्भांगा त्यौहार मायंग में 1590 शताब्दी से मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि विक्रम या फिर कोपिली भगवान धनुषा देवी जहाँ रहते थे वहाँ के लिए रवाना हुआ था। धनुषा या फिर धुमसा देवी कोपिली भगवान यानी भगवान श्री कृष्ण का एक भक्त था। भगवान कपिली धनुषा देवी के सेवा से इतना खुश हुआ कि वो कुंसाबाड़ी में कुछ दिन रहा। भगवान कपिली के शुभ यात्रा में सार देवता भी उनके साथ गए थे। उन सार देवताओं को पूरा करने के लिए मायंग के पूर्वज नवग्रह से उन देवताओं को लाए थे, जिसको एक साथ पंच देवता भी कहते हैं। जब भगवान विक्रम अपने घर के लिए रवाना हुआ तब खुंसा देवी भी उसके साथ आया था ताकि भगवान को हमेशा सेवा कर सके। अपने घर पहुंचने पर विक्रम यानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी लक्ष्मी देवी ने ज़्यादा दिन बाहर रुकने के कारण भगवान पर संदेहपूर्वक आरोप लगाया। इस आरोप को लेकर भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मी देवी के बीच सिपाही सहित एक लड़ाई हुई। भगवान घर में पधार नहीं सके, उसके लिए लक्ष्मी देवी ने एक किला भी बनवाया था और उस किले को आखिर में भगवान ने तोड़कर घर के अंदर पधारा था। लक्ष्मी देवी आखिर में अपना गलती मान ली और भगवान को माफ़ी भी मांगी। इस लड़ाई को ही गर्भांगा त्यौहार कहा जाता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।